Hello and welcome back to my channel. I am Upasana Taneja and in today's video हम पढ़ने वाले हैं fundamental theorem of equivalence, जिसको हम FTERB बोलते हैं. ठीक है, fundamental theorem of equivalence. और ये theorem हमें क्या बताती है? सबसे पहले हमें ये बताइए कि हम last video में क्या पढ़ चुके हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या होते हैं, पार्टीशंस क्या होते हैं, ये हम डिटेल में कर चुके हैं. थोड़ा सा एक बार आप देखिए कि अगर आपके पास ए एक सेट है, ए क्रॉस ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट बनते हैं, ये मैंने आपको एक वीडियो में बताया था डिटेल में, और उसके जो सबसेट्स होते हैं, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए, वो क्या बनते हैं? रिलेशंस बनते हैं. ठीक है, हमने ये भी देखा था कि रिलेशंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, रिफ्लेक्सिव भी हो सकते हैं, ट्रांजिटिव, है ना, बहुत सारी फॉर्म्स हमने करी थी, सिमेट्रिक, असिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक. ठीक है, और हमने ये किया था कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है. ऐसा कोई भी रिलेशन जो क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, RST, वो क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है. ठीक है, और हमने इसके बाद हमने पढ़ा था कि पार्टीशंस क्या होते हैं, कि पार्टीशन क्या होता है ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं. तो अगर आपके पास कोई भी सेट है उसके आप सबसेट्स बनाते हैं, और जिन सबसेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि तभी क्योंकि वो क्या है, पार्टीशन है, जैसे हम प्रॉपर्टी का पार्टीशन करते हैं. ठीक है, उन सबसेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए तो वो क्या बन जाएंगे, उस सेट के पार्टीशंस बन जाएंगे. ठीक है, तो ये हमने सब कुछ डिटेल में किया हुआ है. अब ये थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस, ये क्या बोलती है कि ये थ्योरम क्या है कि एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन, कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन है अगर आपके पास किसी सेट के ऊपर, वो क्या करता है, पार्टीशंस द सेट. पार्टीशंस, क्योंकि अगर हम किसी भी सेट के ऊपर क्या कर रहे हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, तो वो सेट को क्या कर देगा, पार्टीशन कर देगा. एंड कन्वर्सली, ओके, यहां पे आप लिख दीजिए ऑन अ सेट ए, एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट ए पार्टीशन द सेट एंड कन्वर्सली. कन्वर्सली मतलब क्या हुआ, कन्वर्सली मीन्स इफ वी पार्टीशन अ सेट, if we do partition of a set, partition a set, it will induce an equivalence relation. That means every partition has an equivalence relation. कि अगर कोई set है उसका partition किया, इसका मतलब जो वो अलग अलग subsets बनेंगे वो क्या हो रहा होगा, वो पार्टीशन जो हो रहा होगा वो कोई इक्विवेलेंस रिलेशन से हो रहा होगा, किसी भी रिलेशन से. ठीक है, तो ये हुआ इक्विवेलेंस रिलेशन की फंडामेंटल थ्योरम. इसको अब हम एक एग्जांपल से देखेंगे कि सपोज कीजिए आपके पास एक सेट है, लेट आप ये क्वेश्चन नोट कीजिए कि वो क्वेश्चन क्या है. ये है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें क्या है कि अगर कभी भी आपको सेट गिवन है उसकी कार्डिनैलिटी कुछ भी हो सकती है. ठीक है, वो क्या है, इफ कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3, किसी सेट के में कितने एलिमेंट्स हैं, व्हाट इज कार्डिनैलिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट. ओके, अगर उस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो व्हाट वी नीड टू डू, फाइंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन ए. आपने ये बताना है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कितने होंगे. तो अब आप ये बताइए कि अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस जो हमने अभी पढ़ी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस कितने होते हैं रिलेशंस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टीशंस, क्योंकि नंबर ऑफ जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो क्या करता है, पार्टीशन करता है, मतलब कि PN. ओके, तो आप यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं तो आप कर देंगे P3. P3 क्या होता है, ये मैंने आपको निकालना सिखाया था, P3 इज 5. कैसे निकालते हैं ये आपको दोबारा बताती हूँ. और वो बोल रहे हैं कि आपने क्या करना है, मेंशन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस. ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमने जो सेट लिया, ए क्या ले लिया, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ए बी सी.
सबसे पहले हम फर्स्ट पार्टीशन बनाएंगे, इसमें कितनी इक्विवेलेंस क्लासेस बन रही है, थ्री बन रही है, ए बी सी। पार्टीशंस क्या होते हैं, जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी होना चाहिए और यूनियन क्या होना चाहिए, पूरा सेट, तभी किसी सेट का पार्टीशन होता है। नाउ पी टू, ए बी एंड सी, ओके, इसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस टू। पी थ्री, ये क्या होगा, ए बी सी, ओके, सिमिलरली बी ए सी, ओके। और पी फाइव क्या हो जाएगा, पी फाइव इज इक्वल टू पूरा ए बी सी, ओके। दैट मीन्स ये हुआ आपके फाइव पार्टीशंस, कौन कौन से हैं, फाइव पार्टीशंस, और इसमें इक्विवेलेंस क्लासेस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस थ्री, इसमें क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस टू, इसमें भी टू, इसमें भी टू और इसमें वन। तो ये हम ऐसे करते हैं कि अगर कोई भी हमें सेट गिवन है, उसकी कार्डिनलिटी गिवन है, हमने निकालने थे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, तो हम निकालेंगे क्या, पार्टीशंस अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कि ये थ्योरम क्या है और इसको कैसे यूज करना है हमने। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।